अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खामोशी इख्तियार करो, खामोशी इख्तियार करो। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम मैडम। माशाल्लाह मैडम, बिग फैन, बिलीव मी। शुक्रिया। मैंने कुछ लिखा है मैडम, लेकिन मुझे थोड़ा सा गिला भी है आप पे मैडम। क्या आप फील्ड में इतनी लेट आई? आपने शोबिज में जब कदम रखा, मैं शादी कर चुका था। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह मैडम, मैं भी पेट लवर हूँ। अच्छा, वंडरफुल। फिर तो आप मेरे फेवरेट इंसान हो गए अभी से। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। फेवरेट क्या था? इन्हें ना कहो जड़े आप पहले मरे पे। खामोशी इख्तियार करो। ये मैंने कुछ लिखा है मैडम, कहीं कहीं पे खामोशी इख्तियार किया करो। हर बात का जवाब देना इंसान को बेअदब भी बना देता है। बहुत से मकामात पे खामोश रहना झगड़ों से बचने का बाइस बनता है, इसलिए खामोशी को हिकमत कहा गया है। क्या बात, क्या बात। इसमें मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम, इरशाद, ये लाजमी सुनिएगा। खामोशी पे शेर है, इरशाद। रास आने लगी है खामोशी। वाह 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 वाह। तन्नो मसला कोई, तन्नो मसला वाह। रास आने लगी है, रास आने लगी है खामोशी। दिल को भाने लगी है खामोशी, बेजुबानी का ये तकाजा है। रंग लाने लगी है खामोशी, जो खामोश रहे बुलंद है मुकद्दर उनका। शोमी और ठुमका, पांच मरले का प्रार्थना में लैके देना है, जिस तरह मुस्कुराए रहे तरीके। मैडम मैं आपको माजरत के साथ, आपने वो अर्थ फिल्म की थी, एक फिल्म मैं भी बना रहा हूँ, डॉन टू अर्थ। निकल मैडम, आपका गार्ड बहुत सख्त है, इनको समझाए जरा। एक बात कहूँ आपसे मैडम, कितने खूबसूरत। मैं बात कर रहा था मैडम, खामोशी पे बात कर रहा जी था। जी, जी, जी। खामोशी को कमजोरी मत समझा करें। हाँ। खामोशी दानश्वरों का जेवर है। क्या बात। खामोशी आवाजों की मुर्शद है। खामोशी आपकी अकल का सदका है। लिहाजा जहाँ बात की कदर ना हो, वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लिया करें। फैसल साहब खामोश हो जाए फिर। चुप करके बैठ जाओ। क्यों जी? नक्शा समझाने वाली छोटी होती, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। मैडम ये खामोशी पे शेर है, कहां किसी को दिखाई गई है खामोशी, बगैर जिस्म के बनाई गई है खामोशी। बला का शोर उंडेला गया है कानों में, मगर जुबां को सिखाई गई है खामोशी। एक शोर सा गूंज रहा है जा बजा, नगारा 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 बजा, नगारा 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 बजा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही मुझे देखती रही मैडम, बहुत प्यारे माशाल्लाह। मैडम आपकी प्यारी आंखों के लिए मैंने कुछ लिखा है, ये आखिरी शेर है। माशाल्लाह इंशाल्लाह। लम्हा लम्हा सोचने वाली आंखें, आए बहुत क्यूट है माशाल्लाह। तेरी भी आंखें ऐसी, आप जैसी, बिल्कुल आप जैसी। आपकी आंखों की गहराई मुझे कुछ कह रही है। ए फैसल, अरे नहीं नहीं फैसल, नहीं 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 सरदार साहब, नहीं सरदार साहब, नहीं इजी शेर है सिर्फ, नहीं नहीं सिर्फ शेर, बस बात तो ताड़ी लग गई, नहीं नहीं बच गई, आ जाओ तुम, नहीं सरदार साहब, बस सिर्फ शेर है, शेर, नहीं सरदार साहब, नहीं सरदार साहब, नहीं तालियां, नहीं तालियां, ओके ओके इजी आपकी आंखों के लिए शेर लिखा है, प्यारी आंखों के लिए बड़े ने साडे बुजुर्ग ने, तुसीं भी, वो भी सारे मेरे लिए काम है। बुजुर्ग सी क्या यार, लम्हा लम्हा सोचने वाली आंखें, लम्हा लम्हा सोचने वाली आंखें, उनकी आंखें देखने वाली आंखें, उनको भूलूं भी तो कैसे भूलूं, हंसते हंसते रोने वाली आंखें, उनकी आंखों के भंवर में है दिल डूबा, महबूबा 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 महबूबा।
गल सही है ना। गब्बर सिंह पागल हो गए, इधर गब्बर सिंह पागल हो, इधर पूरा टब्बर सिंह पागल हो। उस्मान जी, अगर आपके पास एक सुपर पावर आ जाए, इतनी ताकत आ जाए कि आप इंडस्ट्री में से एक नॉर्म को बदल सकती हैं, तो सबसे पहले किस चीज को बदलने की कोशिश करेंगी? मैं समझती हूँ कि बड़ी मुश्किल है सर्वाइव करना क्या ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे अगर आप अपना टैलेंट बेच रहे हैं, अपनी क्राफ्ट को बेच रहे हैं, जहाँ पे मैं समझती हूँ हुसन और जवानी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तो ये चीज़ मैं समझती हूँ अगर बदल जाए तो हम लोग, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। एक खास उम्र के बाद जी क्या किरदार लिखना बंद कर दिए जाते हैं पाकिस्तान में? देखिए, अगर आप एज अ वुमन बात करो तो आइदर इफ यू आर द लीडिंग लेडी ऑफ अ प्ले या आप लीडिंग लेडी की वालदा हैं, दरमियान का जो एक हिस्सा है नहीं है, वो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, इतना बड़ा गैप है कि आप उसको जब तक आप देखिए, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कांट ब्लेम योर विजन व्हेन योर इमेजिनेशन इज आउट ऑफ फोकस। तो हमें तब्दीली पहले हम यहाँ लेके आएंगे तो बाकी चीजें चेंज होंगी। सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार रहती हैं आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं बहुत कम यूज करती हूँ सोशल मीडिया और डर ही लगता है। तो इससे तो आपके पास पैसे कमाने के मौके भी बहुत लिमिटेड हो जाते होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सोशल मीडिया की वजह से काम नहीं मिला कभी। उस्मान जी, यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, यक तरफा मोहब्बत मतलब फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है मेरा ख्याल? नहीं, नुकसान तो उसका काफी है, आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए बड़ा नुकसान है उसका। आपको हुई कभी? नॉट रियली, इवेंचुअली चेंज हो जाता है सब कुछ। नॉट रियली बट अनरियली। देखिए, मोहब्बत तो बहुत दफा हुई है। एक मोहब्बत पे यकीन रखती हैं आप? नहीं। कितनी मोहब्बतों पे यकीन रखती हैं आप? जितनी दफा दिल आ जाए किसी। उस्मान जी, कभी धोखे का सामना हुआ? कभी? क्या बर्जस्ता क्या कि कभी आए? वाह, आए। अच्छा, तुम हंसते रहो तो लगता दरी कट्ठी हो गई, मुंह इंजी हो जाता जिवें लंडे चो ले आया। जुमला तो वेखो ने क्या कभी 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 से क्या मुराद है? बहुत से धोखे खाए। वो मिर्जा गालिब का शेर है ना, बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। ओए, 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 ओए। तो धोखे को बहुत करीब से जानती हैं आप? बहुत ज्यादा। तो फिर दर्द से तो बहुत गहरा ताल्लुक होगा आपका? सिखाता है आपको बहुत कुछ, मगर टाइम भी लगता है। दर्द से सीख कर क्या दर्द को घर से निकाल दिया या दर्द को पालती भी है? नहीं, उसको रखा हुआ है ना, वो मेरी क्राफ्ट में काम आता है। अरे वाह, आपके पास अगर को नूरी पाया ने एक लात नू ठंड लगती। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਬਾਊ? ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂਰੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਵਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। अच्छा भाई, ओज मेरे हमेशा कॉल रहे ते मैं दुनिया में बैठा परे परे, दिल देखे दुनिया तो कौन डरे, दिल दे
दुनिया तो कौन डरे, घबराना इमरान है मेरे म्यूजिशियन ने।